सागर जिले के राहतगढ़ से एक कोटवार अपने दो साथियों के साथ मुआवजे की मांग को लेकर दिल्ली कूच करने गया है, जहां पर ये लोग प्रधानमंत्री से मुआवजा दिलाए जाने की गुहार लगाएंगे। ये लोग सागर जिले के बीना बांध बहुउद्देश्य परियोजना के तहत बने माड़िया डैम में डूब प्रभावित। न्यू फेसिया सैलून, अब पाए गंजेपन से छुटकारा मात्र 2 घंटे में। हेयर पेंच सिस्टम द्वारा मात्र 5,999 रुपए में, साथ ही 30% डिस्काउंट। गावरी गांव के निवासी है किसान बाबूलाल कोरी। गावरी गांव का कोटवार है। उसे अपने परिवार के जीवन यापन के लिए सरकार से लगभग 10 एकड़ सेवा भूमि सरकार से मिली थी, जिस पर वह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। पर अब यह भूमि डूब क्षेत्र में अधिग्रहण कर ली गई है, जिसका ना तो मुआवजा मिला है और ना ही उसकी तनख्वाह बढ़ाई गई है। उसे अभी भी 400 रुपये मासिक वेतन मिल रहा है। पीड़ित कोटवार में प्रशासन से मुआवजे के लिए आवेदन दिया है, साथ ही तनख्वाह बढ़ाए जाने का आवेदन भी दिया है, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी तरह 2 और लोग दीपक कोरी और इंद्रराज अहिरवार को भी पुनर्वास विस्थापन का मुआवजा नहीं मिला है। साथ ही कोटवार बाबूलाल का कहना है कि मुआवजे की मांग को लेकर दिल्ली जा रहे हैं, सरकार से जीवन यापन के लिए सेवा भूमि माड़िया बांध में डूब क्षेत्र में चली गई है, उसका मुआवजा नहीं मिला है। जमीन पर लोन भी लिया है, मैंने बैतूल जिले में सेवा खातेदार रामकिशन को मिले मुआवजे के कागजात भी अधिकारियों के सामने पेश किए, पर कोई हल नहीं निकला। 2 साल से तनख्वाह भी नहीं बढ़ाई गई है, मजबूर होकर दिल्ली पैदल जा रहे हैं। हमारा समस्या है कि सर, ग्राम गावरी के ग्राम कोटवार हैं और हम दिल्ली ऐसा जा रहे हैं कि हमें मुआवजा नहीं मिलो। मुआवजा ग्राम गावरी के ग्राम कोटवार हैं, जमीन हैगी 10 एकड़ 27 आरे, माड़िया डैम में डूब में चली गई। अब वो को मुआवजा दे नहीं रहे, तो हमने मुआवजा एक को हमारे ऊपर लोन भी निकली, वो KCC बनी है सेंटर बैंक में और सोसाइटी बैंक से खाद बीज लाए हैं और सोसाइटी बैंक से 50,000 रुपए जो और लाए हैं नकद। सब बताएं, सब लिखो है नकल पे, सब चढ़ो है कि कल कछ नहीं हुई, तुम्हें भरने पर है तुमने नकारे। अब एक बाद में फिर हम मड़िया डैम में जमीन गई चली गई, सो फिर हमने आवेदन दाए, आवेदन में नहीं सुनाया भाई, सो कह ले कहूँ मिलो है। मैंने कि सर हम ढूंढ रहे हैं कहूँ मिलो जे, सो फिर हमें मुआवजा, फिर हमें जिला बैतूल में एक फाइल में लगे बालियान के दई, सो कह लगे अब कछ नहीं हो सके। सो हमने कलेक्टर साहब को भी दई और मंत्री जी को भी दई और SDM साहब को भी दई, कछ नहीं मिलो। और फिर तहसीलदार साहब को गए हम के साहब हमारी तनख्वाह मनखा को, सो दो आवेदन तहसीलदार साहब को दे रहे, तनख्वाह 400 रुपये मिला था, तनख्वाह जेखो जमीन नहीं है उनको 8,000 में था, तो तनख्वाह की भी सुनाई नहीं है। 2 साल हो गए, अब तनख्वाह नहीं मिल रही तो हम क्या करें, हम दिल्ली को चलता हो अब भाई कहूँ तो हमें न्याय मिल है। अब प्रधानमंत्री जी के जा रहे हैं, उनसे निवेदन करें कि हमें जमीन को मुआवजा दिलाओ जाए, हमारी लोन है जो हम कहाँ से भरें, जैसे तनख्वाह ही देर लगे तो हम कहाँ से भर सकते हैं लोन। 7-8 सौ करेंगे, खाने माने की व्यवस्था कुछ नहीं है, भीख मांगते चले जाएंगे। और हमारी एक विनती और है सर, कि हमारे घर बूढ़ी माँ है, वो की जिम्मेदारी SDM साहब और सिंचाई विभाग की रही भाई। हम मुते हैं नहीं, बीमार रहे थे, कुछ भी हो सकत का, लाइट होते हैं नहीं, लाइट जो कल लगाए सो काट आए, अब का कछु हो जाए तो हम तो निकल चुके हैं, कछु भी हो जाए हम लौट बीमारी नहीं है। सूचना दे दी हमने डाक से, सबको डार दे, SDM साहब को भी दे दो, SP साहब को भी दे दो, कलेक्टर साहब को भी दे दो, कमिश्नर साहब को भी दे दो, डाक से सबको डार दे, जे इनको ID को पैसा नहीं मिलो सो जे भटक रहे हैंगे। सबने आवेदन दे के परेशान हो चुके, तो फिर हमने कही तुम्हारा चल रहा हो तो चलो पुनर्वास के पैसा, तो कह लगे हम भी चल रहे, तीनों जने न कर पड़े। वहीं इस मामले पर SDM राहतगढ़ का कहना है कि भू अर्जन के संबंध में 2 साल पहले अवार्ड पारित हुआ था, उस समय आपत्ति पेश करना था, अब कोर्ट जाकर फैसला कराए। आपके द्वारा बताया जा रहा है कि ये लोग कहीं बाहर जा रहे हैं,
और यहाँ भूअर्जन के संबंध में जो अवार्ड पारित हुआ तो 2 साल पहले पारित हुआ है, और यदि उनको नहीं मिला है या कोई आपत्ति है तो उस समय आपत्ति पेश करनी थी, या नहीं हुआ है तो उसमें कोर्ट जा कर के अपना डिसाइड कराना चाहिए, क्योंकि अवार्ड पारित होगा उसमें दूसरे कोई कार्रवाई किया जाना संभव नहीं है। तो कुटवार का कहना है कि जो ज़मीन सरकार द्वारा हम लोगों को दी जाती है उसके बदले कहीं और विस्थापित किया जाए हमारे लिए, ऐसा विस्थापित करने के लिए आवेदन देगा उसमें यहाँ उपस्थित होंगे तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो उसने बोला है कि मैंने आप SDM महोदय कलेक्टर कमिश्नर को पहले अवगत करा दिया, आवेदन दिए हैं, तब मजबूरों को हम लोग पैदल दिल्ली जा रहे हैं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मुल्ताई में कुटवारों को जमीन के बदले जमीन दी गई है, ऐसी कोई जानकारी में नहीं है। यदि हुआ है उसके उसको लेकर के कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट से अपना अवार्ड पारित करा सकते हैं। दूसरे मकानों का मुआवजा मिला है वहाँ के विस्थापित लोगों के लिए, तो कुछ को मिला है लेकिन कुछ को नहीं मिला है उन व्यक्तियों के लिए। तत्समय जब अवार्ड पारित होता है उस समय आपत्ति या जिसको नहीं मिला उस समय नियम है कि उस समय देना चाहिए, यदि नहीं मिला है तो उनको भी कोर्ट जाकर के अपना डिसाइड कराना चाहिए। राहतगढ़ से धर्मेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। न्यू फेसिया सैलून, अब पाएं गंजेपन से छुटकारा मात्र 2 घंटे में। हेयर पेंच सिस्टम द्वारा मात्र 5,999 रुपए में, साथ ही 30% डिस्काउंट के साथ ऑल हेयर फिक्सिंग। न्यू फेसिया सैलून, हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के सामने, तिल्ली रोड, सागर। हमारा संपर्क नंबर है 7692969387, 8770380207।